हेलो एवरीवन। सो गाइस, पहली बात तो बहुत बहुत दिल से आप लोगों को थैंक यू गाइस कि मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं गाइस। सो ये सब आप लोगों की बदौलत हुआ है और मेरी मेहनत की बदौलत हुआ है। सो जो मैंने 1000 सब्सक्राइबर गेन किया गाइस, उसके पीछे की सारी जर्नी कैसी रही है, बिकॉज जो 1 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी होती है, वही खुशी एक बिगनर यूट्यूबर को 1000 सब्सक्राइबर होने पर होती है, जैसे कि मुझे हो रही थी। ठीक है, सो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने क्या झेला यार, कैसे मैंने 1000 सब्सक्राइबर किए 4 महीने में। सो गाइस, मैंने अपना यूट्यूब चैनल आज से पहले स्टार्ट किया था, 4 महीने पहले। ठीक है, सो स्टार्ट किया था, उस टाइम शायद लॉकडाउन लगने वाला था। सो मैंने स्टार्ट किया, मैं वीडियो कंटिन्यूसली डालता गया। सो शुरू में किसी के व्यूज़ नहीं आते गाइस, ये मैं मानता हूँ। तो डालता गया मैं वीडियोज़, डालता गया यार वीडियोज़ पे 50, 100, 50, 100, 20 यहाँ पे व्यूज़ रुक रहे थे। मैं खुद से लोगों को बोलता था कि भाई मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मतलब ऐसे बोलता था मैं लोगों को। सो वो लोग कर भी देते थे, कुछ लोग बोलते थे हाँ कर दिया मैंने, बट कुछ लोग बोल के नहीं भी करते थे। ठीक है, सो गाइस मैं यही बोल रहा था कि मैं अपनी वीडियोज़ डालता रहता था, व्यूज़ नहीं आते थे बिल्कुल भी। और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था गाइस कि इतना मेहनत कर रहा हूँ यार मैं मतलब दिन रात एक करके, पहले वीडियो सुबह निकलता हूँ मैं, शाम को आता हूँ, पूरा दिन खाना नहीं खाना, पता नहीं यार पानी भी पीना, खाना कुछ नहीं पता, सुबह निकला शाम को घर आया, फिर उसके बाद आने के बाद वीडियो एडिट करना गाइस, और एडिट करने के बाद थंबनेल बनाना, फिर उसको अपलोड करना, फिर लोगों से कुछ शेयर करना, ईजी नहीं है डूड। सो ये सब चीज़ें करने के बाद भी सोचो पूरे दिन की मेहनत के बाद आपको पता लगे कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, या जितने दिन आपने काम किया है, जिस टाइम तक आपने काम किया आपको पता लगा सैलरी नहीं मिलेगी, तो वो जो दुख होता है वो आप समझ सकते हो और मैं समझ सकता हूँ। पूरे दिन मेहनत करने के बाद वीडियो से 50 व्यूज़, 100 व्यूज़, सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी मेरे लिए। अभी भी देखो यार, गर्मी में बैठ के पसीने में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सो इस चीज़ से मैंने क्या करा, मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं वीडियो कंटिन्यूसली बनाता गया। वीडियोज़ 20 पहुँची, 30 पहुँची, कोई व्यूज़ नहीं, 50, 60, 50, 60। लॉकडाउन में वीडियो बनाई जा के यार, रिस्क ले के, मुझे पता था मैंने कितने रिस्क लेके कहाँ ट्रैवल किया, बस में जाके मैंने वीलॉग शूट करता था अपने फ़ोन से ही, अभी फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। सो व्यूज़ नहीं आते थे गाइस, बहुत बुरा लगता था, क्या करूँ यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात एक कर रहा हूँ, घर वालों से गालियाँ सुन रहा हूँ, और लोग जिनकी मुझे कोई परवाह नहीं है क्या बोलते क्या नहीं बोलते। ठीक है, सो हुआ क्या, फिर मैं वीडियोज़ कंटिन्यू डालता गया। एक चीज़ आप कभी मत सोचना गाइस कि हार मत मानना आप, अगर आप लोग अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो गाइस, तो कभी भी ये मत सोचना यार कि 1 महीना 2 महीना करके छोड़ दूँ, अगर व्यूज़ नहीं आ रहे तो, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो, आपके कभी मत सोचना है। मैं भी 4 महीने के बाद मेरा एक ऐसा टाइम आ गया था कि 50 वीडियोज़ हो चुकी थी मेरे चैनल पर और व्यूज़ 50, 60, 50, 60, मोनेटाइज तो छोड़ो यार, सब्सक्राइबर भी कुछ लोगों से, दोस्त से बोल के करवाए 50, 60, कुछ थोड़े बहुत आए, मतलब कि 150 सब्सक्राइबर 4 महीने में मेरे थे। ठीक है, सो 4 महीने में सोच सकते हो आप 150 सब्सक्राइबर, तब भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा नहीं यार, अगर आया हूँ मैं यूट्यूब पे तो मैं कुछ करके जाऊँगा गाइस, मुझे नहीं पता, या तो मैं पूरी ज़िंदगी इस पे निकाल दूँगा मेहनत पे, कभी तो वीडियो वायरल होगी। सो ये सब चीज़ें करता रहा मैं, फिर मैंने एक वीडियो डाली, उस वीडियो पे 1000 व्यूज़ आए। सो बहुत खुश हुआ मैं, मम्मी को दिखाने लगा, मम्मी देखो मेरे वीडियो पे 1000 व्यूज़ आ गए, और अपने दोस्तों को दिखाने लगा, लो यार तुम मुझे ऐसे बोलते थे, ये देखो मेरी वीडियोस पे 1000 व्यूज़ आ गए। सो वो ही कुछ लोग हंसते थे, कुछ लोग कहते थे हाँ यार अच्छा करा है, लेकिन अंदर से कलसते थे। ठीक है, सो धीरे धीरे करके मैंने मेहनत करनी स्टार्ट करी। मैं अगर कहते ना कि इंसान अगर उसका कुछ चीज़ अच्छी चल रही होती है तो उसको क्या करना पड़ता है, डबल मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उस चीज़ को बनाए रखें, अगर किसी को नहीं हो रहा काम तो वो डबल मेहनत करता है। तो मैंने क्या करा, डबल मेहनत स्टार्ट कर दी। मैं तरह तरह के ब्लॉग बनाता रहा, मतलब बहुत से लोगों से कमेंट पे गाली भी खाई, कुछ चीज़ों की वैसे जो मैं डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे। ठीक है, सो मैंने यूट्यूब पे हर तरह का चैनल छाड़ चुका था, हिंदी में, इंग्लिश में, हर तरह के, कैसे अपने सब्सक्राइबर बढ़ाऊँ, कैसे अपने चैनल को मोनेटाइज करूँ। सो ये चीज़ें इतना ज़्यादा कर चुका था मैं कि फ्रस्ट्रेट हो चुका था पूरा, कि यार नहीं होगा कुछ, यार हर तरह के टैग लगा दिए मैंने, डिस्क्रिप्शन में पूरा भर देता था जब तक कि वहाँ पर काउंट ख़त्म नहीं होता, मतलब नंबर ख़त्म नहीं होते, जब तक मैं भरता रहता था कि यार लगाता रहूँगा जब तक टैग, कभी ना कभी तो वीडियो वायरल होगी। सो यूट्यूब पे यही सब चीज़ें देखता देखता मैं सीखता चला गया। ठीक है, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, धीरे धीरे और मेहनत करी, कंटेंट पे फोकस करा, थंबनेल अच्छे करे थोड़े, फिर वीडियो चलने लगी, मतलब
ये हुआ कि 4 महीने ऐसा था कि मैं, मतलब ये हो गया था कि ख़त्म भाई यूट्यूब नहीं करना, कुछ नहीं करना। फिर जैसे जैसे चीज़ें हुई है, खुशी हुई थोड़ी, आज 1000 सब्सक्राइबर हुए मेरे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और इस सब के पीछे यार मैंने बहुत कुछ झेला है गाइस, बहुत कुछ। आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए भाई, रातों को कंटेंट ढूंढना, फिर सुबह उठ के जाना भूखे पेट, उसके बाद आना, उसके बाद भी वीडियोस पे व्यूज़ ना आना, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती थी। सो मैं उन यूट्यूबरों को ये चीज़ बोलना चाहूँगा गाइस कि अभी भी देख लो, अभी मैं पसीने में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ रात को, तो आप होप मत हारो यार, होप मत हारो। आप अगर यूट्यूब पे आए हो ना भाई, घुस जाओ, घुस जाओ, चीर फाड़ दो, वीडियो डाल दो यार। मैं कंटिन्यू वीडियो डालता हूँ गाइस अभी भी, आप लोग देखो मेरी 2 दिन में छोड़ के एक वीडियो आती रहती है, बिकॉज मैं रुकना नहीं चाहता, मैं दौड़ना चाहता हूँ इस चीज़ में, कभी ना कभी तो वीडियो वायरल हो गया। सो इस चीज़ से आप होप बिल्कुल मत हारो कि यार नहीं हो रहा है, करेंगे हम करेंगे भी गाइस। मेहनत करते रहो, कोई नहीं, कभी ना कभी तो वीडियो वायरल होगी, कभी ना कभी तो कुछ बड़ा होगा। सो गाइस यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा बिगनर यूट्यूबर के लिए, प्लीज़ होप मत हारो गाइस। आप होप मत हारो, आप किसी को बोलो मत सब्सक्राइब कर या छोड़ दो सब चीज़ें, आप अपनी वीडियो फोकस करो, वीडियो जाके बनाओ, पोस्ट करो, टैग डालो, कुछ भी करो, छोड़ दो वीडियो बना के यार, कभी ना कभी तो वीडियो वायरल होगी। जब मेरे जैसा बंदा 4 महीने में इतना कुछ झेल के आज अभी भी 1000 सब्सक्राइबर पर खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। सो यार थोड़ी सी मेहनत करनी है बस, आप मेहनत करते रहो, फोकस मत करो कौन देख रहा है नहीं देख रहा, लोगों को छोड़ दो लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सो बस यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि यस, आप लोगों की वजह से मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए। पहले तो आपको दिल से शुक्रिया गाइस, क्योंकि ये मेरा एक ऐसा पड़ाव था जो आप लोगों ने पार किया, और मेरे उन दोस्तों को भी मैं बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मेरा साथ दिया, ठीक है। सो बस यही था बिगनर यूट्यूबर, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ होप मत हारो गाइस, होप मत हारो। अगर आप जैसा छोटा यूट्यूबर, मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर थोड़ा आगे बढ़ेगा ना, तो इतनी खुशी होती है मुझे यार कि हाँ यार इस बंदे के आज 100 सब्सक्राइबर थे, आज इसके 500 हो गए, तो यार ये अच्छा कर रहा है। तो मैं उन बंदों से बात भी करता हूँ कि भाई यार आप अच्छा करो, कीप इट अप, अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताना, मुझे हेल्प चाहिए तो मैं आपसे बताऊँगा। सो गाइस बस यही था वीडियो बनाने का मोटिव, बाकी अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करना चाहें कर सकते हैं, लाइक करना चाहें कर सकते हैं, और बस और तो कुछ नहीं। बाकी फिर से आप लोगों को दिल से थैंक यू कितना आप लोगों ने लव और सपोर्ट मुझे किया। सो बस।